हेलो गाइस, दिस इज उत्सव सैनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से हमारे चैनल पे। आज का वीडियो होने वाला है मोटेरा स्टेडियम के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है अहमदाबाद में, गुजरात में, इंडिया के अंदर। तो हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, तो इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ही गजब की होने वाली है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्रिकेट देखने जब हम जाएंगे। तो क्रिकेट लवर्स के लिए, क्रिकेट के दीवानों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। और इस वीडियो को आप देखें, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम मैंने बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड किया है। देख के आपको पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ है। मुझे नहीं पता कितना टाइम इसमें लगने वाला है और कितना परसेंट काम अभी तक हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट काम हो चुका है, कितना टाइम लगने वाला है। और अगर आपके पास कोई और जानकारी तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी पता चले इसके बारे में ये जानकारी। जितने ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा है। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे इस चैनल को, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें और अच्छे से अच्छे वीडियो बनते रहेंगे आपके लिए। अगर आप कंपेयर करोगे पुराने वीडियो से, तो आपकी जो वीडियो आ रहे हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती जा रही है, कंटेंट काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो इसी तरीके से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। अगर ये वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे और बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो देखते हैं और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. तो ये बैठने का जो है इस तरफ से तो दिख रहा है पूरा। अभी इसी अंदर सीटें लगेंगी भैया। तो ये पीछे की तरफ उस तरफ भी पूरा गोल बन चुका है क्या? ये ऐसे जो ऊपर रखे हैं, पूरा अंदर ग्राउंड ऊपर से पूरा छा जाएगा। बारिश भी होगी तो अंदर मैच नहीं बंद होगा ऐसा। अच्छा, ऊपर छत भी, अभी तो छत भी आएगा। अभी तो देख लो, और जर्मन से आदमी आ रहे हैं इसके ऊपर काम करने वाले। जर्मनी से आ रहे हैं जी? काम तो उन्हें बताना उनको रहेगा, करने वाले तो यही के रहेंगे। अच्छा, वो सब सिखाने वाले आते हैं? सिखाने वाले वहाँ से आएंगे। अभी ये ऊपर ऊपर छा जाएगा, अभी तो इसमें काम बाकी है ज्यादा, लेकिन एक साल में हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं हो जाएगा, मेरे को भी नहीं लगता है। 2020 से पहले नहीं फाइनल कर सकता। हाँ, इतना बड़ा काम है। बाहर का काम तो हमेशा चलता रहेगा, अंदर का सही हो जाएगा, उसके बाद मैच आ सकती है। हाँ, वो है। अब पेंटिंग वेंटिंग चालू हो रही है पाइप की। हाँ। और उधर सीटों का भी इतने 3,000 आदमी का इसमें काम करने वाले हैं। ओहो, 3,000 आदमी काम करते हैं। फिर अगर 1,000 आदमी रोज 1,000 सीट बैठा सकता है। सही बात है। और 1,00,000 कुछ सीटें हैं। 1,00,000 सीटें होंगी ना? 1,00,000 से ऊपर है कैपेसिटी, 1,00,000 की हुई। बढ़िया है। एक बार में करोड़ों रुपए आएगा इसका। ऐसा है ना? हाँ, इनकम तो करोड़ों में होगी ना। 1-2 साल में तो पूरा खर्चा सब वसूल हो जाएगा। चलो भैया, थैंक यू। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
morning come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Yeah.